तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे Xiaomi के एक नए मोबाइल फोन की जो है Mi Redmi 6। जी हाँ दोस्तों, एक Xiaomi एक ऐसी कंपनी है जो हर महीने हर हफ्ते अपने मोबाइल फोन को लॉन्च कर रही है। तो दोस्तों उन मोबाइल फोन में से एक मोबाइल फोन है Redmi 6। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि Redmi 6 में हमें क्या स्पेसिफिकेशन मिलती है और इस मोबाइल फोन के क्या प्राइस हमें मिल जाते हैं। दोस्तों बिना टाइम गवाए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज दोस्तों नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, साइड में घंटे को भी दबा दे। चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मोबाइल फोन की स्क्रीन साइज की। तो दोस्तों इस मोबाइल फोन में हमें 5.45 इंच की HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जिसका रिजोल्यूशन होगा 1440x720 पिक्सल। जी हाँ दोस्तों, इस मोबाइल फोन के डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशो होगा 18:9। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल फोन में हमें बेजललेस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों मोबाइल फोन के प्रोसेसर की। तो दोस्तों इस मोबाइल फोन में हमें MediaTek Helio P22 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। मोबाइल फोन में 3GB की रैम और 32GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों इसके स्टोरेज को माइक्रो SD कार्ड के जरिए बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मोबाइल फोन के कैमरे की। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मोबाइल फोन में हमें रियर कैमरे दो देखने को मिल जाते हैं, मतलब डुअल रियर कैमरा मिलेगा जो को 12 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का विद डुअल टोन LED फ्लैश के साथ, जिससे दोस्तों हम बैकग्राउंड भी आसानी से ब्लर कर सकते हैं, वैसे DSLR जैसे इफेक्ट ले सकते हैं। फ्रंट कैमरे की बात करते हैं दोस्तों मोबाइल फोन में हमें 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों बेसिक तौर से फ्रंट कैमरे में फीचर्स देखने को मिलते हैं ब्यूटी जैसे, तो इस मोबाइल फोन में भी हमें देखने को मिल जाएगी। कनेक्टिविटी की बात करते दोस्तों मोबाइल फोन 4G वोल्टी होगा, ब्लूटूथ मिल जाएगी, वाईफाई मिल जाएगी। दोस्तों मोबाइल फोन में 3.5mm का ऑडियो आउटपुट जैक भी मिल जाता है और दोस्तों इस मोबाइल फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा जो हमें बैक साइड में बीच में दिया गया है। सभी तरह के दोस्तों इस मोबाइल फोन में अदर बेसिक सेंसर भी हमें देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों मोबाइल फोन की बैटरी की। तो दोस्तों Redmi 6 में हमें 3000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी जो एक औसत बैटरी, एक अच्छा बैटरी बैकअप हमें दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसकी बैटरी है फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करेगी। बात कर लेते हैं दोस्तों मोबाइल फोन के वेट की। तो दोस्तों इस मोबाइल फोन में हमें एक अच्छी स्लिमनेस देखने को मिल जाती है और दोस्तों मोबाइल फोन में वेट हमें 146 ग्राम देखने को मिल जाएगा। दोस्तों मोबाइल फोन 3 कलर में होगा, ब्लू, गोल्ड, रोज गोल्ड और सिल्वर में। जी हाँ दोस्तों, 4 कलर में मिल जाएगा। बेसिक तौर पर दोस्तों बहुत ही अच्छा मोबाइल फोन हो सकता है। अगर दोस्तों मोबाइल फोन 8 से 9 हज़ार रुपये में इंडिया की मार्केट में लॉन्च हो तो एक अच्छा मोबाइल फोन साबित हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इस मोबाइल फोन में हमें डुअल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, अच्छी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, बेजललेस डिस्प्ले मिलेगी और दोस्तों स्लिमनेस और मतलब डिज़ाइन भी अच्छा देखने को मोबाइल फोन का मिल जाता है अगर ये 8 से 9 हज़ार रुपये में इंडिया की मार्केट में लॉन्च हो। देखते दोस्तों कब तक इंडिया की मार्केट में लॉन्च होएगा। चलिए दोस्तों अगली बार फिर मुलाकात होगी एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो को लेकर किसी भी सवाल हो तो दोस्तों आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको कोई फ़ोन मोबाइल फ़ोन खरीदना है तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो वीडियो में या मेरी वीडियो में कुछ कमी हो तो प्लीज़ दोस्तों मुझे नीचे कमेंट कर बताएं, मैं उस कमी को सुधारने की बहुत कोशिश करूँगा। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।